जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को बनाए जाने से जदयू नेताओं व कार्यकर्ताओं में भारी हर्ष है। जदयू कार्यकर्ताओं ने इस बाबत रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी है। इधर गिरिडीह जदयू के जिला अध्यक्ष सरयू गोप ने इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह और ललन सिंह को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से देश भर में संगठन को मजबूती मिलेगा। बधाई देने वालों में जदयू नेता जवाहर केसरी, विनोद राणा, कन्हैया सिंह, मंटू सिन्हा, सुधीर आनंद, विद्या सिंह, संदीप यादव, पवन कुमार वर्मा आदि शामिल हैं। दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जदयू में एक व्यक्ति एक पद के तहत कल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। इसके लिए ईडी के तमाम जदयू कार्यकर्ता उन्हें बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ललन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अन्य पदों पर उन्होंने कार्य करने का काम किए हैं। आने वाले समय में उनके कुशल नेतृत्व का लाभ पूरे देश में मिलेगी, संगठन मजबूत होगा और पार्टी भी आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर चूंकि उन्होंने जो काम किया है यह एक बहुत अच्छे काम है और एक पद चूंकि एक व्यक्ति को एक ही पद रहना है, इसलिए पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह वह अपने से प्रस्ताव दिए और माननीय ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर हमने आज गिरिडीह के तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उसी चाह कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ बिहार के साथ साथ झारखंड में भी आगे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें।